क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कल खेले गए IPL के दोनों रोमांचक मुकाबले पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 500 लाइक रखा है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कल खेले गए डबल हेडर के दो टाई मुकाबलों की वीडियो देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, IPL 2020 अपनी रोमांच की चरम सीमा पर है और इसका बेहतरीन नमूना कल खेले गए दोनों मुकाबलों में देखने को मिला। कल IPL का डबल हेडर था जिसमें दो मुकाबले खेले गए। उसका पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। बेहतरीन रोमांच से भरे इस मुकाबले में सुपर ओवर में कोलकाता के नाइट राइडर्स ने बाजी मारी। दिनेश कार्तिक और कप्तान मॉर्गन की बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते कोलकाता की टीम 164 रन का विशाल लक्ष्य सनराइजर्स हैदराबाद के सामने रखा, लेकिन खराब शुरुआत के बावजूद अंत में हारे हुए मुकाबले को डेविड वार्नर और अब्दुल समद की बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते हैदराबाद की टीम यह मुकाबला टाई करवाने में सफल रही। लेकिन उसके बाद सुपर ओवर खेलने आई सनराइजर्स हैदराबाद को इस मुकाबले में लाजवाब गेंदबाजी करने वाले तेज गेंदबाज फर्ग्यूसन ने बस 2 ही रन बनाने दिए। उसके बाद कप्तान मॉर्गन और दिनेश कार्तिक ने 3 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल करते हुए कोलकाता को इस मुकाबले में जीत दिलाकर 2 पॉइंट अर्जित कर लिए। इसके बाद सभी क्रिकेट प्रेमियों को ऐसा लगा कि अब अगला मुकाबला इससे ज़्यादा रोमांचक नहीं हो सकता, लेकिन तकदीर को तो कुछ और अलग ही मंजूर था। मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेला गया IPL का 36वां मुकाबला तो IPL इतिहास का ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट विश्व के इतिहास का सबसे ज़्यादा रोमांचक मुकाबला था। ऐसा मुकाबला आज तक किसी भी क्रिकेट फैंस ने नहीं देखा था। दरअसल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम ने अंत में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 177 रनों का विशाल लक्ष्य पंजाब की टीम के आगे रखा, लेकिन कप्तान लोकेश राहुल के 77 रनों की विशाल पारी के बावजूद पंजाब की टीम यह मुकाबला जीतने में असफल रही और यह मुकाबला टाई हो गया। इसके बाद पहले सुपर ओवर में जसप्रीत बुमराह ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए पंजाब को सिर्फ 5 रन बनाने दिए। उस समय सभी को लग रहा था कि मुंबई की टीम यह मुकाबला आसानी से जीत जाएगी, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने जसप्रीत बुमराह से भी ज़्यादा बेहतर गेंदबाजी करते हुए मुंबई के बल्लेबाजों को बांध के रखा और यह सुपर ओवर भी टाई कर दिया और मुकाबला फिर से दूसरे सुपर ओवर में चला गया। इसके बाद दूसरे सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने आए मुंबई इंडियंस 6 गेंदों पर 11 रन बनाए, जिसके चलते अब पंजाब को जीत के लिए 6 गेंदों पर 12 रनों की ज़रूरत थी। लेकिन मैदान पर पंजाब के लिए क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल मौजूद थे, जिन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए पंजाब को इस दूसरे सुपर ओवर में जीत दिला दी। दोस्तों, इस दोनों ही मुकाबलों को देखना IPL और भारतीय फैंस के लिए किसी सपने से कम नहीं था। वैसे दोस्तों, आपको इन दोनों मुकाबलों में से कौन सा मुकाबला ज़्यादा रोमांचक लगा, आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।